लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को बबरगंज थाना में डीएसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा छापेमारी के दौरान विदेशी शराब एवं 14,93,600 रुपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब की छापेमारी, सघन वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा था। तभी पुलिस को मिली सूचना पर उसके सत्यापन के बाद सिटी एसपी की निगरानी में टीम गठित कर महेशपुर में छापेमारी की गई, जहां से उनके नेतृत्व में बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी दिलीप शाह के पुत्र अमित शाह के साथ शराब कारोबारी को करीब 15,00,000 कैश और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पैसों के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद शराब के साथ पैसों को जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अमित शाह का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ कई मुकदमे बबरगंज थाना क्षेत्र में दर्ज है। छापेमारी दल में बबरगंज थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार, राहुल पासवान, विकास कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। दिनांक 20 जून 2024 को डीएसपी साहब के आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय की जा रही है। हम छापेमारी किया है, जहाँ से घर के पास के क्रम में 40 लीटर शराब और 14,93,600 बरामद की गई। जब उनसे बरामद रुपया संबंध में कागजात मांग की गई, उनके द्वारा कोई संतुष्ट जवाब दिया नहीं गया है। एक व्यक्ति जो है कारोबारी जो है अमित शाह, उनको गिरफ्तार किया गया। जांच की जा रही है कि क्या मामला इसका है, क्या इसको कौन सा धन बताएंगे। आपकी जा रही इस संबंध में जो अभी हम लोग भेज रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया क्या? कुछ नहीं बताया है, क्योंकि इतना बार बार ज्ञान बदल रहे हैं। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है, आपराधिक इतिहास है, हमें भी अंकित किया गया है कि उनके ऊपर आर्थिक का केस है, राजनीति का केस है, अब हम इस अधिनियम का केस दर्ज करें।